कालाबाजारी व किल्लत को लेकर डिप्टी कलेक्टर ने दुकानों को किया निरीक्षण। हरलाखी मधुबनी प्रखंड क्षेत्र में उस समय खाद दुकानदार व पैक्स गोदाम में हड़कंप मच गया जब मधुबनी के डिप्टी कलेक्टर ने खाद दुकान व पैक्स गोदाम की अचानक जांच करने पहुंच गए। इस दौरान विप्रवाह ने पहुंचते ही दुकानदार सब खाद दुकान को बंद कर फरार हो गए। इसके बाद फुलहर पहुंची जहां श्री राम इंटरप्राइज दुकान का पंजी और बॉस मशीन का जाँच किया। इसके बाद गिरजा खाद बीज भंडार को बारीकी से जाँच किया। विश्वकर्मा बीज भंडार की भी जाँच की। सभी जगह खाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। इसी दौरान दुकानदारों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मधुबनी के सीनियर डिप्टी कलेक्टर साहब रसूल ने बताया कि कई ऐसे दुकानदार जो महंगे दाम पर खाद किसानों को दे रहे हैं उनके खिलाफ वरीय अधिकारी को रिपोर्ट भेजा जाएगा। जहां खाद की कमी है वहां जल्द ही खाद उपलब्ध करवाया जाएगा। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्राणनाथ सिंह, किसान सलाहकार उमेश कुमार मंडल मौजूद थे। कभी यहां से खाद खरीदे हैं? काम सही देता है, ज्यादा देता है? ठीक है भैया, हमारा एक बोवा खाने के जरूरी है। प्राधिकार पत्र संख्या निरीक्षण किया गया है सर, कुछ क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्या त्रुटि पाया गया है? बहुत सारे लाभुकों का मैंने डिटेल्स वगैरह लिया है, उनसे फोन करके एक एक से मैं पूछूंगा है ना कि सही मूल्य पे उनको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये है कि हम लोग का तो यही उद्देश्य है कि सही मूल्य पे जो भी सरकार द्वारा प्रेस्क्राइब मूल्य है उस मूल्य पे जो क्रेता लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनको मिले और कालाबाजारी ना हो। सर जैसे मैं यहाँ के दुकानदार बोल रहे हैं जो खाद मेरे पास नहीं, जैसे मैं किसानों की खेती कैसे हो पाएगी? हाँ, खाद बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, खाद अवेलेबल हो जाएगा। सर आपका परिचय क्या हुआ? हम, मेरा नाम साहेब रसूल है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर है, जिला से आए हैं। हाँ, जिला मधुबनी। आप हमारे द वॉइस ऑफ मधुबनी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको जिले के तमाम खबरें से अपडेट रखें।